अलीगढ़ में मेला लगा हुआ था। लोग मेले में इलेक्ट्रॉनिक झूले पर झूलने की तैयारी कर रहे थे। झूला लगभग 60 फीट ऊंचा था। इस झूले में एक लोहे का प्लर भी बना हुआ था। इस प्लर के चारों ओर बोगियां घूमती हुई ऊपर तक जाती हैं और फिर घूमती हुई नीचे तक आ जाती हैं। सभी बोगियों में बच्चे और बड़े सवार थे। मेले में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी 30 फुट की ऊंचाई से झूले की बोगियां अचानक तेजी से नीचे आ गिरीं। बोगियों को ऊपर नीचे ले जाने वाला तार अचानक टूट जाने से झूला टूटकर नीचे गिरने लगा। लोग झूले से नीचे गिरने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों में चीख पुकार मचने लगी। झूला जो है हाईलाइट हो गया, नीचे गिर गया। झूला जो है हाईलाइट हो गया, नीचे गिर गया। झूला जो है हाईलाइट हो गया, नीचे गिर गया। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनन-फानन में लोगों को बोगियों से बाहर निकाला गया और तुरंत ही मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दो घायलों की स्थिति डॉक्टरों को गंभीर लगी तो उन्हें JN मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। औद्योगिक और कृषि की जो प्रदर्शनी है उसके अंदर झूले लगे हुए थे, उसी में से एक झूला था वो उसका टूट गया था। वो तो उसमें से तकरीबन 15 लोगों को इंजरी हुई है, उसमें से दो जने सीरियस है बट कोई जीवन भय नहीं है, बट सीरियस है, उनकी बैक में काफ़ी इंजरीज है और बाकी जो तकरीबन 13 लोग हैं वो नॉर्मल हैं, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। CMS साहब, CMO साहब सारे हैं, आकर के हमने भी चेक कर लिया है और ये अभी इनको जल्दी सबको जो है डिस्चार्ज कर दिया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही सभी झूलों को बंद करा दिया गया। वहीं झूला कैसे टूटा है इसकी तकनीकी जांच भी कराई जा रही है।